पूछते मुझे पूछते हैं मम्मा आप कहाँ गए थे? मैं कराची गया था। थे। मैं गिर गया था सीढ़ियों से। अब मम्मा पास नहीं जाते। मामा पास में जाता हूँ। चाची कुछ थे? हैं? चाची। चोट मैं बर्फ खा रहा था ना तो मुझे चोट लग गई। शरारते करता हूँ मैं। हाँ। यहाँ पे सीढ़ियों से चिके। फिसल के गिर गया था। मैं आइस खा रहा था ना तो मेरी फिसल के गिर गया। बर्फ खा रहा था बर्फ। अब माची कहाँ आई थी? माचिस भी खा रहा था मैं। हाँ तभी मुझे चोट। गला खराब हो गया मेरा इसीलिए। गंदे काम नहीं कर रहा था मैं लेकिन अच्छे काम कर रहा था। शरारते भी नहीं कर रहा था गंदे काम भी नहीं कर रहा था और मुझे मामा ने भी नहीं मारा। किसने मारा? कुछ गंदे लोग थे उन्होंने मारा। मारा नहीं मुझे चोट लगी गिर गया। कोई बात नहीं। मैं आपको बताते चलूं कि इकरारुल हसन के सर पर टांके लगे हैं और कंधा भी डिस्प्लेस हो गया है। इस वक्त इकरारुल हसन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। बताया गया कि इकरारुल हसन की एक पसली भी टूट गई है और ECG की रिपोर्ट भी नॉर्मल नहीं आई है। हर कोई इकरारुल हसन के लिए दुआ गो है और बहुत ही ज्यादा परेशान भी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इकरारुल हसन बहुत ही बहादुर इंसान है, बहुत ही बहादुरी से हर चीज का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। इकरारुल हसन ने बताया कि सारी टीम के कपड़े उतरवा कर उन्हें बुरी तरह मारा गया और इतना तशद्दुद किया गया कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे।